नमस्कार, आप सभी का क्राइम फ्री भारत के टेक्निकल सेशन में स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए नमस्कार। हैं श्री नमस्कार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर विकास धनकर, जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ जो है उनकी एक खासियत रही है कि वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को डिवाइस करने में और उसको फॉर्मेट करने में मदद करते हैं। तो धनकर जी बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आज वो पहले ये समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें जो है क्राइम फ्री भारत के जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं वो उनको उनकी नज़र में क्या है, उन्होंने उसे कैसा समझा है, कैसा जाना है। तो वो आज चलिए क्राइम फ्री भारत के इनिशिएटिव को मिस्टर धनकर, मिस्टर विकास धनकर की नजर से देखने की कोशिश करते हैं। धनकर जी जी हाँ, नमस्कार सभी को, मेरा जो भी उपस्थित हैं या सुनने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं श्रीमान श्री मैथिली सेन गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस तरह, क्योंकि ये इनिशिएटिव इस तरह का है जिसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्र के लिए है। और राष्ट्र के लिए जब तक ऐसे लोग आगे नहीं आते हैं तब तक हम आगे कुछ कर भी नहीं पाते और राष्ट्र तब तक आगे बढ़ भी नहीं पाता है। उसकी अपना जो अस्तित्व है वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। तो अभी जो कुछ समय से मैं टच में हूँ मिस्टर गुप्ता के, तो उस दौरान जो मुझे समझ आया है कि क्राइम फ्री भारत शुरुआत में जो हम लेके चले थे उसमें ये था कि हम जितने भी पूरा जो हमारा सिस्टम है वो सारा जो प्रॉब्लम है सिस्टम का है, क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो सरकारें वहाँ पे एक व्यवस्था बनाती हैं वही व्यवस्था उस पूरे देश को, उस पूरे समाज को एक दिशा देती हैं। और वैसे ही हमारा एटीट्यूड हो जाता है, जो भी उसके काम करने वाले हैं या जो वहाँ की जनता है उनकी सोच भी उसी दिशा में चलना शुरू हो जाती है। जैसे साधारणतः अगर आपको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए आपको उस वक्त जो जो सुविधाएं उपलब्ध हैं आप उन्हीं के आधार पे अपना रूटीन बना लेंगे कि मुझे यही चीज़ मिल सकती है। कल को आपकी स्थिति बदल जाती है तो आप उस जगह पे जाके वहाँ के हिसाब से उसके साधन को जुटाना शुरू कर देते हैं। तो अभी जो व्यवस्था बनी हुई है, पहले से जो चली आ रही है भारत में, उस व्यवस्था के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आदमी कुछ पॉजिटिवली क्रिएट करे। ये कभी गुलामी की तरफ से चला आया था, उन लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि जो यहाँ के लोगों को गुलाम बना के और वो हमें हमारा शोषण करके यहाँ से धन लेके जा सके, और हमारा जो जीवन है उसका कोई आधार नहीं है, वो कैसा होगा, उससे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमारा भविष्य क्या, उससे कोई आधार नहीं है। उसी चीज़ को हमने अडॉप्ट कर लिया और अडॉप्ट करने का नतीजा ये निकला कि आज आज़ादी के 70 साल बाद भी हम उस स्थिति में हैं कि खुद को डेवलपिंग नेचर, जो कभी सबसे बड़ा एक विश्वगुरु था, एक महाशक्ति था, और सबसे बड़ी चीज़ होती है जहाँ पे बुद्धिमत्ता हो, जो बुद्धिमत्ता का स्तर है वो सिर्फ भारत में ही था, दूसरी किसी जगह पे नहीं। जो पूरा जो कल्चर, एक जहाँ से मानवता की जो कल्चर निकली है वो यहीं से शुरू हुई, पूरी दुनिया को यहीं से सब कुछ मिला, और आज हम उसके जो दूसरे लोग कर रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया। तो इन चीज़ों पे आने के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव, ऐसा नहीं है पहले भी बहुत लोगों ने लिया है, कुछ सफल हुए कुछ नहीं हो पाए, लेकिन हर वक्त ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना सफल रहूँगा, हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, जितना मेरे वश में है मैं उतना करूँगा। और इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मिस्टर गुप्ता का कि उन्होंने जो इस तरह का एक्शन लिया। अब रिटायरमेंट के बाद सबकी तरह से वो भी ये कर सकते थे कि एक अच्छी पेंशन आ रही है, घर है, बच्चे सेटल्ड हैं, जाके अपना आराम करो, बहुत काम कर लिया जीवन भर। लेकिन ऐसी आत्माएं जो धरती पे आती हैं वो एक एक्शन प्लान लेके आती हैं कि असल में उनका जो काम था अभी तक उन्होंने किया वो सरकार के लिए किया, अभी वो जो करेंगे वो देश के लिए करेंगे। वो एक व्यवस्था में रह के किया, आज उस व्यवस्था को जितना उन्होंने समझा है उसको यहाँ अप्लाई करके एक नई व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। और इस नई व्यवस्था में जो क्राइम फ्री भारत है उसमें यह है कि हर चीज़ पॉजिटिव हो, सही हो, और उसके अंदर किसी तरह का, जिसको हम करप्शन शब्द कहते हैं ना, भ्रष्टाचार,
क्योंकि हमारी मूल सोच के अंदर वो पूरी तरह से रच बस गया, मतलब हमें कुछ अलग से नहीं करना होता। अब मैं रोड पे जाता हूँ तो मैं अपने आप ही नियम तोड़ता हूँ और ये सोचता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। वैसे ही जीवन के किसी भी आयाम में मैं जाके रिश्वत देता हूँ तो उसको मैं बाई डिफॉल्ट ये समझता हूँ कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, अगर मैंने दे दी तो क्या हो गया, इसमें कोई बुराई तो है ही नहीं, मेरा काम आसानी से हो गया, मुझे खड़े रहना पड़ता, मुझे 10 लोगों से मिलना पड़ता। उसकी बजाय अगर चीजें अपने आप हों, क्योंकि व्यवस्था का काम ही ये है, सरकारों का व्यवस्था का यही काम है कि वो एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम बनाए जिसके अंदर, अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि एक सड़क है चलने वाली, अगर उस पे दोनों तरफ आपने इस तरह का रास्ता बनाया हुआ है कि लोग ओवरटेक कर सकें, तो एक कोई भी आएगा वो देखेगा थोड़ा स्लो है, मैं ओवरटेक करके चला जाता हूँ, गड्ढे में से निकल के चला जाता हूँ। अगर हमने दीवार वहां पे खड़ी कर दी और हमने उसके लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी तो वो कहीं जाएगा नहीं, उसको लेन में चलना है तो लेन में ही चलेगा। वैसा कुछ ही क्राइम फ्री भारत के अंदर सोचा गया है, प्लान किया गया है कि हम पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से लेके चलें कि हमारा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम हो, पूरा रोबस्ट हो, हर आदमी अपनी ड्यूटीज को डिलीवर करे, किसी को भी ये भी बहुत बड़ा इशू है कि लोग ना राइट्स की बात सोचते हैं, राइट्स हमेशा बाद में आते हैं, ड्यूटीज पहले आती हैं, और ड्यूटीज हम उसको तो ऐसे लेके चलते हैं कि ड्यूटी का तो कोई मतलब नहीं है। ड्यूटी जैसा जो वर्ड है, जो आपकी दायित्व है, वो आप अगर देखेंगे तो सुनाई नहीं देगा आपको, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, आपने शायद स्कूलों में कहीं पे किसी ने पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, कुछ नहीं बताया कि ये दायित्व क्या होता है। जबकि जीवन में सबसे पहले दायित्व आता है, उसके बाद आपके अधिकार आते हैं। दायित्व नहीं होगा तो अधिकार का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हमने उल्टा चलना शुरू कर दिया कि पहले तो मेरे अधिकार मुझे दे दो, अब दायित्व की बात नहीं करते, मुझे मेरे अधिकार चाहिए। और हर आदमी इसी सोच के तहत काम कर रहा था, वो खींचने में लगा हुआ, और उससे आउटपुट कुछ नहीं निकलने वाला। मतलब हर आदमी अपना अपना अधिकार उठा के चल देगा तो वहां पे बचेगा कुछ भी नहीं, और सभी को इनकन्वीनियंस होने वाली है। क्राइम फ्री भारत में जो एक सिस्टम रहेगा, उसमें हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि एक विलेज है, विलेज के अंदर एक फार्मर है, फार्मर के अलावा वहां पे उस खेत पे काम करने वाले सारे जो लेबरर्स हैं, या उनको आप एक बोलें कि मजदूर है, जो भी उनको नाम देना चाहें, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और वो वहाँ पे वैसे ही काम करेंगे जैसे कि हम एक कंपनी में करते हैं। मतलब एक तरह से ये एक कंपनी हो गई, और कंपनी में आपको जैसे प्राइवेट कंपनी में काम करना होता है, आप जितना काम करेंगे उतना आपको उसकी उसके अगेंस्ट में मिलेगा। वो सब कुछ कैलकुलेटेड होगा, ना तो काम करने वाला भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार का मतलब कि काम ना करना और उसका पैसा लेना, और ना ही जो देने वाला, अगर किसी ने काम किया तो वो काम करने का उसको जो मिलना चाहिए वो देने वाला उसको देगा। उसी तरह से एक चेन है पूरी सिस्टम में कि पहले किसान आता है, उसकी जमीन आती है, उसका मैनेजमेंट आता है, उसके बाद फिर वहाँ पे काम करने वाले लोग आते हैं, उसके इन सब का बैकएंड में एक पूरा सिस्टम काम करेगा जो कि क्राइम फ्री भारत है, जहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट होगा जो कि लोग वहाँ पे अपनी अपनी चीज़ें मैनेज करेंगे। जैसे जिसको मॉनिटरिंग करनी हो मॉनिटर करेगा, फ्रंट लाइन में जितने भी एक्शंस होंगे वो लाइव बैकएंड से उनको मॉनिटर करके तुरंत उन पे एक्शन लिया जाएगा। मतलब उसको किसी को परमिशन देनी है तो दी जाएगी, नहीं देनी है तो नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट लाइन में जो एक्टिविटी हो गई उसको बाय डिफॉल्ट छोड़ दिया गया, फिर वहां पे भी एक नया भ्रष्टाचार आ जाएगा, उसमें भी क्रिएटिविटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव क्रिएटिविटी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा है। लोग जितना अच्छा करने के लिए सोचते हैं उससे ज्यादा बुरा करने के लिए उनके पास, या कुछ भी गलत करने के लिए बहुत सारे उनके पास प्लानिंग्स होती हैं, कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के और वो बाईपास कर ही जाते हैं उसको। उसके लिए ये दो स्लैब्स हमारे रहेंगे, जो हमारा क्राइम फ्री भारत का जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो हमारा एक्सपर्ट होगा, वो लीगली एक्सपर्ट होगा। उसमें ये रहेगा कि जैसे अगर अकाउंट से रिलेटेड है तो एक्सपर्ट सीए वहाँ बैठा होगा, सरकारी तौर पे या जो हमारे लॉज हैं वहाँ पे कहाँ पे कोई चीज़ गलत है कहाँ पे सही है उसको चेक करके चलेगा। वैसे ही अगर कोई घटना घटती है, उस घटना में जो भी क्राइम फ्री भारत के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, या उनको वॉलंटियर्स बोलें या जो भी उनको नाम देंगे,
वो उस घटना पे एक्शन लेंगे। एक्शन लेना मतलब उनकी क्षमताओं में जो जो संभव है उसकी रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग के बाद उसका बैक एक्शन है, और फिर ये शिफ्ट होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने फ्रंट लाइन में एक बार काम किया और वो फिर उसी को फॉलो करना है, उसके बाद वो शिफ्ट हो जाएगा उस आदमी पे जिसको वो सेकेंडरी मतलब बैक एंड वाला जो डिपार्टमेंट है वो उसको देखेगा। वहां देखने के बाद उस पे जो भी एक्शन लेना है उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जैसे कि अगर किसी ने एक्टिविटी की उस एक्टिविटी का जो उसकी वैल्यूज जनरेट हुई वो उसके अकाउंट में ऐड हो गई, उनको हम एक तरह से पॉइंट्स के रूप में वहां पे ऐड करते जाएंगे। सबके अपने अपने अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे सीएफबी के पोर्टल पे, उनका जो भी एक लॉगिन रहेगा पासवर्ड रहेगा वो कभी भी अपनी एक तरह से सैलरी चेक कर सकता है। मतलब उसको हम सैलरी फिक्स ना देके उसका जो भी वर्किंग है, जितना भी काम किया उसने, 2 घंटे किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, छुट्टी पे चला गया चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना उसने किया वो वैल्यू उसके पास है और वो उसका राइट है उसको मिलना, वो उसको मिलेगा, वो एक तरह से बैंक में डिपॉजिट हो गया। अब ये जो पूरा सिस्टम रहेगा इसके अंदर हम स्लैब्स में रहेंगे कि जैसे सबसे पहले फ्रंट लाइन हो गया, उसके बाद बैक एंड हो गया, उसके बाद एक इंटरमीडिएट सिस्टम रहेगा जो फ्रंट लाइन और बैक एंड इनके बीच में अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको वेरीफाई करके, क्रॉस चेक करके उसको अपर जो बैक एंड है वहां पे अपडेट करेगा और उसको सेटल भी करेगा। फिर वही जो सेटअप रहेगा वही हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट है, अगर जो हमारा व्यवस्था बनी हुई है सरकारी व्यवस्था है या कानून के तहत जो भी संभव है, और उसमें अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको अगर करना है वो भी एक्शन हमारा ये जो एक्शन बीच वाला जो सिस्टम है वो उसको ग्राउंड पे उसको लेके चलेगा, जिससे कि अगर कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको लीगली भी हम कैटर कर रहे हैं, अपने सिस्टम में भी कैटर कर रहे हैं, तो कहीं पे कोई भी चीज़ एक तरह से छोड़ी नहीं जाएगी कि हमने इसको पूरा किया या बिना पूरा किए छोड़ दिया, बीच में छूट गया और कहीं पे कोई डिससेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि जब भी अनसेटिस्फाइड लोग क्रिएट होते हैं ना वैसे ही व्यवस्था बिगड़ती है, और जब तक वो सब लोग सिस्टम में सेटिस्फाइड रहते हैं कोई व्यवस्था कभी नहीं बिगड़ती और तब तक चलती रहती है। हम जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं, जैसे मैंने किया, मैं इस सिस्टम में रह के अगर कहीं पे कुछ भी प्लस माइनस करता हूँ तो उस प्लस माइनस से हो सकता है मुझे तुरंत कोई बेनिफिट मिल जा रहा हो, लेकिन एक टाइम के बाद जिसका नेगेटिव जिसके ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है और वो जाएगा जरूर, कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, वो एक अनसेटिस्फाइड एक एलिमेंट हमारे सिस्टम में पैदा हो जाएगा जो क्राइम फ्री भारत में पैदा नहीं होने दिया जाएगा। इसको हम स्लैब्स में, एक दो चीजें और मुझे समझनी है मिस्टर गुप्ता से, वो बताएंगे कि जो स्लैब में और हम क्या कर पाएंगे उसमें, कि एक तरह से वीटो पावर भी कहीं पे रहे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट की सॉल्व नहीं हो रही तो उसको वहां पे भी सॉल्व किया जाए, और ये सारा सिस्टम हम अपने लीगल जुडिशियल और जो संवैधानिक है व्यवस्था है उसके तहत कुछ भी इलीगल हम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे कि कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आए और कोई बोले कि ये तो एक नई व्यवस्था शुरू कर दी और ये कोई क्वेश्चन ना कर पाए उसको, तो वो हमारी टीम बैकएंड वाली ये देख के चलेगी हमेशा कि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना रहे और इस सिस्टम को हम चलाते रहें। तो ये एक पूरी व्यवस्था, हम इसी तरह के मॉडल्स हम ट्रांसपोर्टेशन पे, हम जो मार्केट है मतलब जो आपका सेल परचेज मार्केट है या जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हम एक तरह से जो किसान है वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर क्राइम फ्री भारत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमारा किसान है, और हमारे देश में किसान सिर्फ एक राजनीति करने का एक सामान है, और यहाँ तक कि जिसके पास 100 बीघा 200 बीघा जमीन है वो देखा जाए तो राजा से कम नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे समझता है कि मैं एक मजदूर हूँ, मैं कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ, अपने आप को एक इन्फीरियरिटी उसके अंदर क्रिएट करके रख दी है, कारण ना तो उसको कृषि का की शिक्षा दी गई है, अगर वो कुछ कर सकता है, वो सोना उगा सकता है तो उससे सोने की जगह पे हम उससे इतनी गलत चीज उगवा रहे हैं जिसका कि हमारी सेहत पे, हमारे जीवन पे, सब पे नकारात्मक प्रभाव है, और वो बेचारा एक जैसे बेचारगी वाली हालत है उसमें रह जाता है, अपने जीवन में जी नहीं पाता है और नेगेटिविटी में रहते रहते खुद को ही गाली देते देते पीढ़ियां बीत जाती हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि वो समाज के सबसे श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले लोग हैं। लेकिन इस चीज को समझना, उनको समझाना,
जिसके पास ये वैल्यूएबल एसेट है उसको ये समझाना कि तुम्हारे पास है क्या, और उसका यूसेज वो नहीं कर पा रहा है तो वो यूसेज ही क्राइम फ्री भारत उसको करके देगा। एक ऐसी चीज के खेती में उसको मिट्टी के हिसाब से क्या उगाना चाहिए, तो उसकी डिमांड किस चीज की है। आज ये दुनिया भर के जो आंदोलन चल रहे हैं उनमें सिर्फ ये लगा हुआ है कि किसान ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी उगाएं और सरकार खरीद ले बस, और थोड़ा उगाएं, ज्यादा उगाएं, गलत उगाएं, सही उगाएं, ना कुछ ना हो, एक फिक्स कॉस्ट मिले और सब खरीदते चले जाएं, बस आग बंद करके चले सब कुछ, जो कि गलत है। एक किसान भी पूरे मार्केट के जैसा ही है कि वो जो उगाएगा वो सोने जैसी चीज उगा रहा है उसको सोने के पैसे मिलने चाहिए, वो चांदी जैसी चीज उगा रहा है उसको उसके पैसे मिलने चाहिए, और उसके पास क्षमता है। हमें सिर्फ उस क्षमता को उसे बताना है कि तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, उसकी शिक्षा उसको देनी है, उसके साधन उसको अवेलेबल कराने हैं, और एटलीस्ट हमें मॉडल बना के करके दिखाना है कि सिर्फ आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपने एक ऐसे ही उसको समझा के आगे, ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। हम जाके एक अच्छा सा स्पीच दें गांव में कि देखो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, देखो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वो एनजीओ बनाते हैं, फिर खुद रिच होके मतलब गरीबों के नाम पे पैसा लेके इकट्ठा करके और वो अपना चले जाते हैं, होता भला किसी का नहीं है। तो हमें उनको जिसको हम जो चीज़ बता रहे हैं हम एटलीस्ट उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जो स्पेशलिटी है क्राइम फ्री भारत की पूरे सिस्टम की, कि वहाँ उसको बना के देंगे। तो एक एक ओवरऑल ये चीज़ है जो मुझे समझ आई है। अभी जो इसमें क्वेश्चंस के लिए हम बात करें, एक मिनट जी, सबसे पहले तो मैं विकास जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सरल भाषा में इतनी सारी चीजों को समेटने की कोशिश की, और जब हम इतने विराट स्वरूप की बात करते हैं जिसे मैंने विराट स्वरूप का नाम दिया है, ये गीता से हमने लिया है कि कृष्ण भगवान का जो विराट स्वरूप था, अर्जुन को देखने की क्षमता नहीं थी तो उनको ब्रह्म चक्षु जो है वो दिए गए थे, दिव्य चक्षु जिसको कहते हैं, दिव्य चक्षु दिए गए थे जिससे कि वो भगवान के कृष्ण के विराट स्वरूप को देख पाए। सीएफबी लगभग वही विराट स्वरूप है और वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से मिलके बना है। सीएफबी की जो ओरिजिनल वो थी वो क्राइम के 5 सर्टेनिटीज की थी, और फिर उसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम थी, और उसमें एविडेंस कैप्चरिंग जो है वो शिफ्ट किया गया था पब्लिक की तरफ, क्योंकि जो बहुत सारे एविडेंस जो है ना बड़े सिलेक्टिवली कैप्चर होते हैं और उससे जो है वो एविडेंस ठीक ढंग से नहीं आ पाते हैं। हमने जो कानून पैदा किया उसमें आपको जान के ताज्जुब होगा कि पुलिस जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, जो भी कार्रवाई करती है, अधिकांश उसमें से चीजें केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज की जा सकती है, करोबरेशन के लिए यूज नहीं की जा सकती है। तो सीएफबी की जो सोच है वो थोड़ी सी भिन्न है। सीएफबी की सोच है कि हर चीज को इतना डिजिटलाइज करके और विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक, विभिन्न तरीके के स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके और उस पूरे प्रोसेस के इतने विटनेस क्रिएट कर दिए जाएं कि वो कोर्ट में जो है उसको डिस्प्यूट ना किया जा सके। जैसे अज्यूम करिए कि आपको कोई एक रिपोर्ट करना है और सीएफबी का एक वॉलंटियर जो है आपके पास पहुंचता है, वो आपकी एफआईआर रिकॉर्डिंग में मदद करता है। तो जब वो एफआईआर का रिकॉर्डिंग, उसके 3 काम हो गए हैं। उसका पहला काम हो गया है कि वो ही हैज बिकम द विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ एफआईआर। एफआईआर में उससे क्या कहा गया, ही इज आल्सो वन ऑफ दैट विटनेस बिकॉज वो रिकॉर्ड कर रहा है थ्रू ऐप, लेकिन इट इज ही इज विटनेस टू व्हाट इज एवर इज हैपनिंग, नंबर 1। नंबर 2, ये कंटेंट जो है डेट टाइम और लोकेशन के साथ जो है लॉक करके उसको हैश वैल्यू से लॉक कर दिया। इसका मतलब है कोर्ट में उसे डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता है। आज हमारा जो लिखाने वाला है, चाहे भय से या पैसे से, वो ही बदल जाता है कि नहीं मैंने तो ये पुलिस को कहा ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि पुलिस अपने ढंग से उसको मिनिमाइज करती है, तो जो कहा उसको हल्का करने के लिए उसने वो नहीं लिखा जो उसे लिखना चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस में डिजिटल भी रहेगा, वीडियो रहेगा, ऑडियो रहेगा, और प्रोसेस का एक विटनेस भी हो गया जिसने हर चीज देखी है, नंबर 1। सो ही हैज बिकम द विटनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एफआईआर। देन
उसने उस विक्टिम को भी देखा है, तो ही हैज बिकम द विटनेस टू द सिचुएशन और फिजिकल स्टेटस ऑफ द विक्टिम। यदि उसने उसके घाव हुए हैं तो वो इंजरी को भी देख रहा है, उसी ऐप से वो इंजरी की कैप्चरिंग करेगा और उसके पीछे इसमें स्मार्ट 3D सॉल्यूशंस टाइप के होंगे जो कि उस इंजरी का पूरा डायमेंशन डेप्थ तक भी ले पाएगा। प्रोबली उस तरीके की रिपोर्ट आज डॉक्टर भी पैदा करने की स्थिति में नहीं है जो कि ऑलरेडी कैप्चर कर ली जाएगी CFB की प्रोसेस के तहत, राइट, और उसको डॉक्टर को भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो डॉक्टर को मालूम होना चाहिए कि इतनी चीज तो ऑलरेडी रिकॉर्ड पे आ चुकी है, तो वो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने की स्थिति में नहीं रहेगा। कई बार हमारी प्रोसेस में जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो विभिन्न प्रेशर्स में, विभिन्न कंसिडरेशन में, दे बिकम द पार्टनर इन डिस्टॉर्शन, तो वो डिस्टॉर्शन संभव नहीं होगा, राइट। देन जो है, देन दिस कॉन्टेंट विल गो डेलिबरेटली टू द बकरी। हालांकि बैकएंड इंजन विल बी कैप्चरिंग की क्राइम के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो सजेस्टिव जो है ना सेक्शन लगा पाएगा, बट फाइनली वेइंग विल बी डन बाय द वन एडवोकेट, राइट, ही विल बी डूइंग दैट एज ए सिटीजन, राइट। सो ही हैज आल्सो बिकम विटनेस टू द कॉन्टेंट ऑफ FIR बिकॉज ही इज अप्लाइंग सेक्शन। नाउ वो सेक्शन अप्लाई होके दिस कॉन्टेंट इज गोइंग टू द नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक असिस्टेंस इन क्लाउड स्पेस में जाएगी, क्लाउड स्पेस से वो थानेदार के पास पहुंच रही है, राइट। नाउ थानेदार जो है यदि उसमें सिग्नेचर कर देता है तो वो FIR बन गए, यदि सिग्नेचर नहीं भी करता है तो CFB के पास चार मेथोडोलॉजी है। एक मेथोडोलॉजी है कि वो लीगली उसके पास पांच ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि 159 CRPC के तहत उसको अधिकार है कि वो संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट करे पुलिस को, और ये उसकी लीगल ड्यूटी है। यदि इस ड्यूटी को वो पूरी नहीं करता है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये कानून 39 सेक्शन को पब्लिक से छिपा के रखा गया है, जबकि इस सेक्शन में ये भी लिखा है कि बाकी अपराधों में तो आपको पुलिस को और प्रोसिक्यूशन को यह सिद्ध करना पड़ता है कि आपने अपराध किया है, वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, लेकिन इस सेक्शन में आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हैं। तो इतना पावरफुल सेक्शन, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूटी पब्लिक से ही छिपा ली गई, जिसको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं उससे छिपा लिया गया, उसे मालूम ही नहीं है पब्लिक को, यह मालूम ही नहीं है कि ही इज ए पुलिस ऑफिसर। पब्लिक को यदि उसके सामने संज्ञेय अपराध हो रहा है तो उसे राइट टू अरेस्ट है, और ये राइट टू अरेस्ट, हेलो जी जी मैं सुन पा रहा हूं, एक मिनट, समथिंग रॉन्ग है, वीडियो चला गया है। सो बेसिकली देखा जाए तो इस पूरे जो कंटेंट को यदि मान लो थानेदार FIR नहीं करता है तो उसके पास CFB विल टेक इट टू द SP आल्सो। CFB विल टेक इट टू द SP अंडर सेक्शन 154(3), देन CFB विल टेक इट टू समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, आवाज क्लियर है, आ रही है, आ रही है, ओके ओके। सो CFB जो है पहले जो है ना उसको थानेदार के पास ले जाएगी कि 39 CRPC में मेरी जिम्मेवारी थी भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो हम ये आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो ऐसा कंटेंट लेके जाएगी जिसकी डिजिटल पूरी रिकॉर्डिंग होगी, जिसके तीन चार जो है ना विटनेस भी पैदा हो गए, राइट जी। तो और वो डेट टाइम लोकेशन के साथ जो है ना लॉक हो रही है, हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट हो रही है, तो उसे कोर्ट में डिस्प्यूट करने की भी स्थिति नहीं होगी, और कोई नेगेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता है, राइट। तो इट विल बिकम, मतलब उसको इतनी आसानी से कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है, ये तो पुलिस ने अपने आप लिख लिया है। तो हमारी FIR जो है बहुत सॉलिड होगी, राइट, चूंकि उसमें वकील जैसे लोग जुड़े होंगे, तो वो जो है कोशिश ये भी करेंगे कि क्या क्या साक्ष्य हो सकते हैं, उसके क्वेश्चंस भी जो है वो FIR के दौरान ही पूछ लें। तो बैकएंड इंजन हमारा जाएगा, क्योंकि हमारे वॉलंटियर तो सब जगह फैले हुए हैं, तो वो जो है ना लोगों से बात करके उसका भी जो है इसी तरीके से जैसे FIR कर रहे हैं,
ऐसे ही बिटनेस से बात करने का जो है ना कंटेंट टेक्स्ट में भी ऑडियो वीडियो वो हमारा सिस्टम पुलिस को पुश करता रहेगा। जी जी नाउ पुलिस का पुलिस के स्टेटमेंट तो बिलीवेबल भी नहीं है लेकिन हमारे तो सब चीज बिलीवेबल होगी। इट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 8 and 9 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो हमने जो पुलिस के जितने भी हैंडीकैप है उनको भी पूरा कर दिया। फिर हमारा बैकएंड इंजन जो है 91 सीआरपीसी के तहत कहां पे क्या एविडेंस हो सकते हैं ये पूरा जो है ना अनुमान लगा के रिक्विजिशन लेटर बना के पुलिस को देगा। राइट, अब मान लो अगर पुलिस जो है ना उसको लेटर को साइन नहीं करती है तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको जो है ना फिक्स करेंगे। यदि वो साइन कर देती है तो सीएफबी वुड ट्राई टू हेल्प इट कि वो कंटेंट जो है ना जितने जल्दी हो सकता है वो पुलिस के पास पहुंच जाए। क्योंकि सीएफबी से सभी लोग जुड़े होंगे तो अब जो है एक खच्चे जो है ना पब्लिक पुलिस की तरफ उसकी तरफ नहीं होंगे शासन की तरफ। ढेर सारे जो है सीसीटीवी ढेर सारे आईओटी डिवाइसेस ढेर सारे कैप्चरिंग डिवाइसेस दे विल बी डन बाय द अंडर TPP मॉडल पब्लिक के होंगे और उसका जो कैप्चरिंग का जो रेवेन्यू है वो 50% जो है ना सरकार के पास पहुंच जाएगा और 50% जो है वो उस आदमी के पास जाएगा। तो 3 महीने में उसके जो डिवाइस की कीमत है वो रिकवर हो जाएगी। बिल्कुल, तो एवरीबडी वुड लाइक के ढेर सारे कैप्चरिंग हो जाए। तो इसका मतलब है बिना पब्लिक बिना गवर्नमेंट के खर्च किए हुए इतने एविडेंस की कैप्चरिंग होना चालू हो जाएगी कि किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं जा सकेगा। बिल्कुल ठीक है। फिर जो है एविडेंस कैप्चरिंग जहां कहीं भी संभव है वो वी विल शिफ्ट टू द पब्लिक। तो पब्लिक जो है ना जैसे मान लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है फलाना कर रही है तो दैट वी विल डू एंड सीएफबी के थ्रू दैट कंटेंट विल बी फ्लोइंग टू द पुलिस। वो हमारा वॉलंटियर कहेगा कि सीएफबी ने मुझे एक खबर दी कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ है और चूंकि मेरी लोकेशन पास में है ले आजा मुझे कहा गया कि जाके आप जो है ना उनसे बात करिए हमने ये बात की है ये रिकॉर्डेड है डिजिटल रिकॉर्डेड और ये मैं भेज रहा हूँ। सो नाउ यू इमेजिन कि विदाउट लॉस ऑफ टाइम आप वो एविडेंसेस को कैप्चर कर पाएंगे जो आज कोर्ट में सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकता है। अभी हमारा पुलिस वाला क्या करता है आपसे पूछता है नाम नंबर और आपका नाम क्या है पिताजी का नाम क्या है पता पूछ लिया और थाने में अपने हिसाब से वो जो है बयान काटता है। बिल्कुल ठीक। और आप ये देखिए कि वो चूंकि वो लिख रहा है सभी के बयान तो अधिकांश बयान उस पुलिस के जो है ना वर्बैटिम सेम होते हैं। आप ये बताइए कि यदि मैं आपसे पूछूं कि अभी वहां कोई घटना हो जाए जहां पे आप खड़े हुए हैं और आपसे पूछूं कि आप घटना को डिस्क्राइब करिए और एक दूसरे इंसान से पूछें कि आप घटना को डिस्क्राइब करिए क्या दोनों एक शब्दों में एक ही अप्रिसिएशन से घटना को डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इसका मतलब है कि यदि कोर्ट चाहे तो पुलिस के सभी के बयानों को कचरे में फेंक सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर कोई एक ही भाषा में एक ही बात बताया आपको। आप अभी पुलिस के बयान को देखिए वर्बैटिम एक ही जैसी चीज वो लिख देता है। क्यों? क्योंकि वो आपका तो उसने बयान नोट ही नहीं किया, उसने तो आपका नाम पता नोट किया है और फिर उसने घटना के हिसाब से बयान खुद ही लिख लिए तो जो चाहता है वो बना के दे दिया, बना के दे देता है। इसका इसीलिए जो है ना कोर्ट में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। नाउ इट विल बी द ओरिजिनल कंटेंट इंस्टेंटेनियसली रिकॉर्डेड बाय सम पब्लिक विद द डिजिटल एक्यूरेसी। हम जो है चाहे आपके बैंक में डिटेल हो चाहे सीसीटीवी में हो बैकएंड इंजन डिसाइड करेगा कि यहाँ के कहाँ कहाँ पे एविडेंस हो सकते हैं और पुलिस के बिहाफ को पुलिस को हेल्प करते हुए वो रिक्विजिशनिंग क्रिएट करेगा फॉर पुलिस को। पुलिस को केवल डिजिटल सिग्नेचर लगाना है जी एंड वो कंटेंट भी 3 सर्टिफिकेट के साथ सर्टिफिकेट ऑफ द एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ चैन ऑफ कस्टडी के साथ कोर्ट में पेश कर देगा। तो हमारे पास जो है एविडेंस की इतनी ज्यादा भरमार होगी जिसको कोई डिस्प्यूट करने की स्थिति में नहीं रहेगा लिहाजा हम न्याय कर पाएंगे और यदि सही FIR है तो हम उसमें कन्विक्शन ला पाएंगे और यदि झूठी FIR है तो हमें उसी सर्टेनिटी के साथ उसमें जो है ER काटेंगे और जिसने झूठी रिपोर्ट की और जिसने भी उस झूठे जो है ना एविडेंस को गढ़ने में मदद की उन सबको जेल भेजेंगे। तो आज की हमारी आवश्यकता केवल FIR लिखाने की नहीं है, हमें बहुत अच्छा विवेचना करने की भी है और
हमें झूठी एफआईआर से भी बचना है। आज जो है जिनके पास पैसा है वो पुलिस से मिलके उन इनोसेंट व्यक्तियों ने जिनके प्रति जिनको उन्होंने प्रताड़ित किया है, जिनको पिटाई की है, उनके खिलाफ उल्टा काउंटर केस, झूठा काउंटर केस रजिस्टर करा देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अभी प्रॉब्लम सिर्फ एफआईआर ना लिखे जाने की नहीं है, अब एक उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है झूठी फैब्रिकेटेड कनाइवेंस के साथ फर्जी एफआईआर लिखने की है। और ये जो फर्जी एफआईआर लिखने वाले हैं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मूल रूप से जो चीजें आप बता रहे हैं ना सारी, ये चीज शो कर रही है कि आज भी हम जैसे वो अंग्रेजों का टाइम था ना, अगर व्यवस्था की बात करें तो वैसी ही सिमिलर व्यवस्था में हम आज भी जी रहे हैं कि एक पुलिस वाला उसकी इच्छा से, मतलब क्या हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी करके आपके खिलाफ कुछ भी कर सकता है, आपको दंड दिलाए, आपको जेल करवाए, आप पे फाइन लगाए, वो एक पुलिस वाले की इच्छा है। जबकि कानून ऐसा कभी नहीं कहता, कानून में अगर चलेंगे तो वो ऐसा संभव नहीं है कि एक इनोसेंट को भी पनिशमेंट मिले, लेकिन पुलिस वाले की इच्छा रहती है और एक आम आदमी को कुछ पता नहीं होता और वो वकील हायर नहीं कर सकता, तो ये चीज़ कभी भी संभव नहीं है कि उसको न्याय मिले, और इसीलिए ये सारा अपना एक तरह से अपना रोजी रोटी उसको बना के रखा है इन्होंने कि सही को सही बताने के लिए भी वो पैसा लेते हैं। वेरी ट्रू जी। अभी जो है वो अपनी कन्वीनियंस से आपके बयान काट रहा है, और आपने बहुत सही कहा, उसको जो है ना तमाम पावर है कि वो आपको 109 में बंद कर दे, आपको 151 में बंद कर दे, राइट, मतलब सब कुछ डिस्क्रिप्शन उसी के पास है, तो हम गुलाम है ना। बिल्कुल गुलाम। आई एम सेइंग कि यदि जो है सीएफबी का बैकएंड इंजन वो सब एविडेंस कलेक्ट करके और वो भी इनफेनिबल उसी समय पुलिस को अवेलेबल करा रहा है, तो पुलिस को अपने झूठे बयान काटने का स्कोप बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे अभी हमने कहा कि सीएफबी ऐप विल बी टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ द इंजरीज आल्सो, और वो इंजरी जैसे आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे उसको जो है ना उसके फोटोज पहुंचा देंगे विद द मेजरमेंट डिटेल। तो जो आज जो है डॉक्टर कई बार अपराधियों से मिलके रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने में मदद करता है, और आजकल तो बदमाश लोग इतने हो गए हैं कि वो फॉरेंसिक साइंटिस्ट और फॉरेंसिक लेबोरेटरी भी पहुंच जा रहे हैं। हाँ, उसको वो तो भी मैनिपुलेट वो तो वहां पर भी एविडेंस को मैनिपुलेट कराने की कोशिश करते हैं। नाउ इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द डॉक्टर, इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द फॉरेंसिक साइंटिस्ट आल्सो टू मैनिपुलेट। दे कैन कंट्रीब्यूट इन कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, बट पैसे लेके चीजों को डिस्टॉर्ट करने का उनको भी मौका कम हो जाएगा, अवसर एकदम मिनिमाइज हो जाएगा, और एज वी विल प्रोग्रेस कुछ को झूठे करने को लोगों को पकड़ भी लेंगे तो उनको भी प्रोसिक्यूट कर देंगे, तो भय भी पैदा कर देंगे, और ये तो भगवान ने कहा है कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है। नहीं नहीं सर, एक प्रैक्टिकल सी चीज है, अगर आपने ये मॉडल एक लेवल पे कहीं स्टेबल कर लिया, इसको चला लिया, रन कर लिया, तो उसको देखने वाले बहुत सारे लोग अपने आप सुधर, जैसे पुलिस वाला एक सामने खड़ा हो तो ट्रैफिक पे लोग मतलब फिर उसको ओवरटेक नहीं करते, लेन में आ जाते हैं, मतलब वहां जरूरी नहीं है कि उस पुलिस वाले ने किसी को कुछ बोला, वो केवल एक सफेद वर्दी में सामने नजर आता है डंडा लेके, और सभी फिर अपने आप लाइन में चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट है, जो आप भय भी प्रीति की बात जो कर रहे हैं, बिना भय के कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं कि आदमी समझ जाता है, इंसान कभी नहीं समझता, उसको भय होना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब उसको लगे कि बैक एंड इंजन वहां गड़बड़ होनी संभव नहीं है, जो कि वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब इसमें जो है बेसिकली हमारी जुडिशरी की मदद करने की भी बहुत जोर से इच्छा है, और कोरोना ने इस समय हमारी बड़ी मदद कर दी है, तो कोरोना ने जो है वर्चुअल कोर्ट से लेके हर कोर्ट को ऑलरेडी ग्राउंड पे उतार दिया है, तो हमारा काम और आसान हो गया है। नाउ जो है वी कैन हैव द सिस्टम जिसमें 24 घंटे कोर्ट चलेंगी। अब आप कहेंगे कि होना चाहिए सर। नहीं, आप इसको कहेंगे कि साहब इसके लिए आपके पास जजेज कहां से आएंगे, तो इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की स्पेशल ट्रेनिंग देके उन्हें एडहॉक जज नियुक्त कर देंगे, जितना वो जजमेंट देंगे उतना उनको रेवेन्यू मिल जाएगी, नो पेंशन नथिंग। तो जो रिटायर्ड लोग हैं सर, जो बहुत सारे हर समाज में, सर हर समाज में ऐसे लोग जिनको हम अनपढ़ कह के बुलाते हैं, समझदार जो जो शिक्षित हैं, लेकिन आज की भाषा में उनको अनपढ़ कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर आप उनको कोई चीजें बताओगे तो वो निर्णय ऐसा लेंगे जो आपको, अब लेट्स से आपको अगर मैं लेके चलूं सामने बिठा के कोई चीज लाके खड़ा कर दूं, तो बाय डिफॉल्ट आप एक सही निर्णय देंगे, क्योंकि आपका कोई लालच जुड़ा हुआ नहीं उससे। हेलो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तो टू अगर हंड्रेड अगर परसेंट मैं कोई थर्ड पर्सन आपके पास आ गया सामने आपके और बोले कि नहीं यहाँ पे ये घटना घटी है, तो आप उसको अपने आप से एक बहुत ही क्लियर निर्णय दे दोगे क्योंकि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो कानून परमिट करता है कि हम किसी को भी जज डिक्लेयर कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं, तो हम जो है ढेर सारे जजेस नोटिफाई कर देंगे, 24 घंटे वर्चुअल कोर्ट चलेगी, राइट। तो 15 दिन में जो है हमें जजमेंट देना है, फिर जज महोदय को जब वो जो विटनेस हो रहा है उसी समय में उनका अप्रिसिएशन वहां पर जुड़ता जा रहा है, सिस्टम कैप्चर करेगा, तो वो एक ड्राफ्ट जजमेंट भी जो है ना महोदय को दे देगा कि बताइए आपका जजमेंट क्या है, तो उसने कहा कन्विक्शन है, तो वो सर, उनके जो एक छोटा सा अप्रिसिएशन। उदाहरण मेरे पास है वर्तमान में हमारे सिस्टम का। हाँ, अभी अभी 6 तारीख को या 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किसान आंदोलन है उसको सुना था। उन्होंने लगातार 2-3 दिन में ही जल्दी उसको दोबारा मतलब सेकंड टाइम सुना और ये बोला कि ये चीज सब गलत है और इनको पार्टी बना के यहाँ पे लेके आओ। अब आप डिफरेंस देखना, अगर वो चाहते जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको बोलते कि विद इन 2 डेज सारी चीजें यहाँ सबमिट करो तो सब हड़कम में होते, सारी सही सही चीजें वहां पे सबमिट होती, लेकिन उन्होंने उनको 15 दिन का टाइम दिया। अब 15 दिन के टाइम मिलने से क्या हुआ, अभी अभी आपने देखा न्यूज में, मैंने सुना है इस बीच में जो भी किसान आंदोलन वाली जो सिस्टम है, जो इसके साथ जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, 20 तारीख से पहले पहले उन्होंने 2-3 बड़े बड़े स्टेप्स ले लिए। उनको पता है 20 तारीख में कोर्ट ने निर्णय लिया तो उसके बाद मुश्किल हो जाएगी, तो उनको इतना समय दे दिया गया कि वो नेगेटिव अप कर सकते हैं बीच में चाके। पूरे देश को बंद करने का प्लान कर रहे हैं, सारे ट्रैफिक को बंद करो, रेल को बंद करो, ये मतलब वो जितना जो डैमेज सोसाइटी को करना चाहते हैं उनको करने के लिए कोर्ट ने समय दे दिया कि आप जाइए, इस बीच में आप जो चाहे कर सकते हैं, हम आपको 20 तारीख को सुनेंगे। और यही निर्णय अगर होता कि अगर 6 तारीख को बोलते कि हम आपको 8 तारीख को सुनेंगे, तो उनके पास ये सब गलत करने का टाइम नहीं होता, वो प्रिपरेशन में होते कि हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन क्यों करना है, आप युवा, आपको जो है अपना जो भी चीज है उसको बताना है, तो उसके लिए कोई अध्ययन की जरूरत नहीं है ना आपको। बिल्कुल, यू आर गिविंग ए विटनेस और यू आर सेइंग समथिंग जिस जो कि यू आर प्रिवी टू इट, तो उसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत थोड़ी है। व्हाई यू शुड बी गिवन ए मिनट। मैं ये कह रहा हूं यदि मान लो कोर्ट के ही जैसे कमिश्नर सिस्टम होता है ना, कमिश्नर ऑफ कोर्ट होता है, अमिकस क्यूरी ऑफ द कोर्ट होता है, तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट जिसको कहते हैं, तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट या कमीशन ऑफ कोर्ट जो है दे कैन कंडक्ट ओवरनाइट जो है ना, सभी के एविडेंस लें, सभी का वो करें, एंड मॉर्निंग में जो है जज महोदय उन सबको सुन के फैसला दे दें, तो ये डुएबल है। तो सीएफबी का टारगेट ये है कि हम 15 दिन में न्याय दें। तो जो अभी प्रॉब्लम है कि क्रिमिनल्स जो है वो नेता बनते जा रहे हैं, यदि 15 दिन में न्याय हो जाएगा तो फिर काय का जो ना नेता बनेंगे, राइट। हाँ, फिर तो बनेंगे ही नहीं वो, राइट। तो वो चीजें अपन को लाना पड़ेगी, और उसमें वो भी अपन एक छोटा सा कर सकते हैं कि भाई अपील में है, यदि आपको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है तो अपील के दौरान आपको फिर राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन नहीं रहेगा, यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यू आर ऑलरेडी कन्विक्टेड, राइट। तो वो जो अभी प्रेजेंट जो चीजें हैं वो सब क्रिमिनलिटी के फेवर में है। अभी जो है ना डिले भी जो है ना क्रिमिनल्स के फेवर में है, मतलब यदि मान लो उसे सजा भी मिलना है और 25 साल बाद आदि आप सजा दे रहे हैं, तो 25 साल तक तो उसने उस धन का उपयोग कर लिया ना। सर बहुत बड़ा उदाहरण है जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, उनकी स्थिति आप देखिए कि जब उनपे केस लगे थे और जब वो कन्विक्ट हुए उसके बीच में वो बिहार में राज करते रहे इतने सालों तक, मतलब एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको कोर्ट ने बाद में सजा दी किसी क्राइम के लिए जो पहले कर चुका है, और क्राइम करने के बाद वो सालों तक उस स्टेट पे राज करता रहा है, तो उसने कोई सही चीज कैसे की होगी। अब या तो कोर्ट गलत है या ये सिस्टम गलत है। कोर्ट क्यों गलत, कोर्ट ने तो जो है ना एविडेंस के आधार पर जजमेंट दिया, तो कोर्ट कैसे गलत हो सकती है। नहीं, कोर्ट ये गलत हुई कि वो जो गैप उसने दिया उस गैप के कारण एक गलत आदमी इतने दिन तक एक संवैधानिक पद पे रहा। तो अभी का सिस्टम ऐसा है ना, यदि हम कहें कि हम जो भी केस आएंगे हम उनको राउंड द क्लॉक चलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि 15 दिन में जो है ना जजमेंट लिख जाए, और अभी तो जज महोदय अपना जजमेंट लिखने के लिए 7 दिन का समय ले लेते हैं, तो यदि
आपने जब इविडेंस क्रिएट किया उसी समय हमने अप्रिसिएशन ऑफ दैट इविडेंस को कैप्चर कर लिया, जज महोदय के माइंड को उसी समय कैप्चर कर लिया, तो देन जो है ना टोटल इंटीग्रेटेड अप्रिसिएशन ऑफ द इविडेंस क्या है वो उनसे कैप्चर करा लिया, तो एक टेंटेटिव जो है जजमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन क्रिएट फॉर जज, जिसको जज अपने हिसाब से एडिट कर दे एंड अपना डिजिटल सिग्नेचर करे, वो जजमेंट हो गया। इसका मतलब है जो जजमेंट को लिखने में उनको 7 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, इट कैन बी डन विद इन 1 day और इवन लेस देन दैट, बिल्कुल हो सकता है विद इन एन आवर आल्सो। सो वी वांट टू हेल्प आउट, वी वांट टू हेल्प आउट द कोर्ट कि हम उनको जो है समन्स वारंट इश्यू करने में मदद करें। समन्स वारंट हवलदार कोर्ट मोहर जो हमारा हवलदार या कॉन्स्टेबल होता है वो क्यों करे? हमारा सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से उनको ऑप्शन दे देगा, वो जो है ना इवन विटनेस की कन्वीनियंस को भी फैक्टर इन करके उनको दे देगा कि सर्विस इन इन डेट्स पे जो है विटनेस इज नॉट अवेलेबल, तो हम जो है विटनेस कन्वीनियंस को भी ला पाएंगे, इंस्टेंटेनियसली हम उसका समन्स वारंट भी जारी कर पाएंगे और वो समन्स वारंट पुलिस के थ्रू एग्जीक्यूट ना होके इट विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू द सीएफबी वॉलंटियर्स एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली और ऑन द सेम डे। तो यदि आप कोर्ट चाहे तो कल यदि इविडेंस मतलब कोर्ट की सुनवाई करना चाहती है तो उसके लिए जो है वो आज जो है समन्स वारंट खुद मजिस्ट्रेट महोदय बिना कोर्ट मॉर्नर की मदद के कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम में तो उनको डेट सिलेक्ट करना है, उनको जो है ना सिर्फ अपने डिजिटल सिग्नेचर करना है, इट विल बिकम सिस्टम विल पुट द कोर्ट की सील भी लगा देगा एंड देन इट विल बी थ्रू इंटरनल सिस्टम इट विल रीच टू द कंसर्निंग जहां पे कि वो एग्जीक्यूट करना है। और जब क्योंकि जबकि क्राइम फ्री भारत से पूरी देश की आबादी ही जुड़ी होगी तो सीएफबी का तो वॉलंटियर हर जगह बैठा हुआ है, फिर बिल्कुल आपने यहाँ वारंट निकाला उसके एक आध घंटे में तो वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और उसका प्रूफ भी जो है अलोंग विद द प्रूफ इट विल बी रिवर्टेड बैक कोर्ट जो है ना कोर्ट के मजिस्ट्रेट को मालूम पड़ जाएगा कि साहब हमने 10 जो है ना समन्स वारंट जारी किए थे सभी जो है ना एग्जीक्यूट हो गए हैं जी। सो दैट काइंड ऑफ द प्रोफिशिएंसी एंड दैट काइंड ऑफ द एफिशिएंसी विल कम, इट इज ए हॉलिस्टिक सॉल्यूशन एंड इट विल इन ए वे इट विल डीबर्डन द सिस्टम, पुलिस का बर्डन भी खत्म कर दिया। अच्छा जो पब्लिक उसको एग्जीक्यूट करेगी उसको रेवेन्यू स्ट्रीम भी दे रहे हैं तो उसके लिए आय का जरिया भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो है हम पुलिस से ही सब काम करा रहे हैं तो पुलिस सिलेक्टिवली उसे इग्नोर भी करती है। आप ये बताइए, हाँ उनके पास लोड भी बहुत ज्यादा है, वर्कलोड भी बहुत ज्यादा, इंक्लिनेशन नहीं है, सोच नहीं है, इविडेंस कैप्चर करने की ताकत नहीं है। अब ये बताइए आपकी जितने भी अभी व्हीकल की नंबर प्लेट है, मेरा ऐसा अनुमान है 90% से ज्यादा दे आर नॉट मीटिंग द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। बिल्कुल उनकी शेप साइज चौड़ाई फॉन्ट कोई भी मैच नहीं कर रही है। आपको मालूम है इसको बहुत गंभीरता से कानून ने लिया है, पहले उसमें 2000 का फाइन है, दूसरे ऑफेंस में 5000 का फाइन है और उसमें जेल का प्रावधान भी है। सर वही तो प्रॉब्लम है कि इंप्लीमेंट नहीं होता, आप ये सोचिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो है ना ऊपर जो है ना कैमरा नहीं आपके आईओटी डिवाइसेस लगे हैं, कैमराज लगे हुए हैं, They are having 360 degree information. आपका जो है ना आपकी व्हीकल को पहचान करने के लिए उन्हें आपकी व्हीकल की पूरी फोटो की जरूरत ही नहीं है। यदि व्हीकल का एक कोना भी उनको पकड़ में आ गया तो वो समझ लेंगे कि ये विकास धनखड़ जी की गाड़ी है। जी जी, मतलब दैट पावरफुल सिस्टम वी हैव टू क्रिएट एंड इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। और यदि हम उसके जो फाइन का 50% पैसा पब्लिक को पहुंचा रहे हैं तो 3 महीने में से लेके 6 महीने तक तो उसकी पूरी कॉस्ट निकल जाएगी। तो यदि मान लो मैथिलेन गुप्त ने 10 सिस्टम लगाए हैं तो मैथिलेन गुप्त की तो 10 ईएमआई बन गई ना भाई, हमारी कॉस्ट निकल गई, फिर तो हमें आय का जरिया बन गया वो। सो देयर विल बी कंपटीशन कि साहब मैं तो जो ना मुझे 10 दे दीजिए। सो देन वी हैव टू ब्रिंग आउट ए काइंड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिससे कि सेंसर डिवाइसेस जो है वो उनको दिए जाए जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो यूनिफॉर्मली वेल्थ क्रिएशन का काम करे वो जी। अच्छा वो जो है ना इविडेंस जो है ना वो चीज वो परचेज करना चाह रहा है वो भी जो ना उसे खुद नहीं परचेज करना है, सीएफबी जो है उन फर्मों से टाई अप करके कहाँ लगाना है ये तय करते हुए, क्या स्पेसिफिकेशन ये तय करते हुए वहां लगा देगा।
उसका पेमेंट भी संभवतः उसे नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी रेवेन्यू आएगी उससे हम जो है ना 3 महीने बाद उसको पेमेंट कर देंगे। नाव नाव जो 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 बनाने वाला है उसे मार्केटिंग करने के ऊपर ध्यान नहीं देना होगा, वो 24 घंटे उस डिवाइस को बना पाएगा बिना सरकार की कॉस्ट के, बिना सरकार के मेंटेनेंस के, हमें उसकी 100% अवेलेबिलिटी इक्विपमेंट की रहेगी। और वो इक्विपमेंट और IoT डिवाइसेस पुलिस को, पुलिस के ऊपर डिवर्डनिंग का काम करेंगे और 100% कैप्चरिंग कर देंगे। जी जी, सो इट वुड बी ब्रिंगिंग ए रूल ऑफ लॉ विथ ए फुल कंप्लायंस मैकेनिज्म, हेल्पिंग द कोर्ट बिल्कुल ठीक है डिलीवरिंग इट्स जस्टिस। और फिर जो है ना उसकी जो चौथी चीज है कि वो चूंकि उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन रहेगी, यदि मिस्टर विकास धनकर एक क्रिमिनल हैं तो उन्हें मालूम होगा कि विकास धनकर का चश्मा ऐसा है, विकास धनकर ने आज ये लाल शर्ट जो पहनी है, टी शर्ट पहनी हुई है, ये पहली बार पहनी है, तो ये इसकी कॉस्ट जो है ना 2000 रुपए है, तो 2000 रुपए जो है ना विकास धनकर के पास कहां से आए होंगे, क्या उनके पास आय के जरिए है क्या? मतलब इट कैन इवन से कि विकास धनकर है माइट हैव डन सम क्राइम, दैट्स व्हाई ही कुड परचेज दिस रेड शर्ट। जी, नाउ इवन से कि यू हैव बीन सोन वेयरिंग दिस रेड शर्ट, ए नोटिस में बी जनरेटेड, प्लीज एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर यू गॉट द मनी फॉर इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज देखिए हम जो है, यदि अल्टीमेटली कोई व्यक्ति क्राइम करता है वो क्यों करता है? कि उसके पैसे से वो उसका यूज करे। आपने क्राइम होते हुए नहीं देखा है लेकिन यूज तो पब्लिक की आंखों के सामने हो रहा है। यदि आपने एक गाड़ी खरीदी है तो भाई साहब इस गाड़ी के जो कीमत इतनी है ये कहां से आई है आपके पास? हे, यू आर ए पर्सन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड दिस व्हीकल हैज कम टू यू। अच्छा, यदि मान लो किसी दूसरे ने आपको गाड़ी खरीद के दी, देन वी विल से कि आपने इसको ज्यादा धमका के गाड़ी ली है या आपने खरीदी है गाड़ी, या रिश्वत मिली है आपको कुछ गलत करने के लिए, व्हाटएवर। अब नाउ यू इमेजिन कि हम हर को डिवर्डन कर रहे हैं, पुलिस को डिवर्डन कर रहे हैं, पब्लिक को आय का जरिया दे रहे हैं, कोर्ट की मदद कर रहे हैं, कन्विक्शन जो है ना विद इन 15 डेज ला रहे हैं, और कन्विक्शन नहीं ला रहे हैं, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वी आर सेंसिटिव, हमें मालूम है बहुत सारे फर्जी केसेस रजिस्टर्ड हैं, तो उन केसेस में हम जो है ना केवल एक्विटल बल्कि हम उसमें ER रिपोर्ट्स लगवाने की बात करेंगे। यदि पुलिस ने ER रिपोर्ट नहीं लगाई है तो पुलिस ने अपना काम ठीक ढंग से क्यों नहीं किया है, इसके लिए पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो गलत FIR करने वाला है उसको जो ना फिक्स किया जाएगा, कानून में तो प्रावधान है 211-182 जी, हम उसमें थोड़ा सा बदल देंगे कि आपको जो है ना एक सब कॉग्निजेबल कर देंगे, और दूसरी बात है कि जिस आप झूठा रिपोर्ट करोगे उतना ही आपका जो है ना आपको पनिशमेंट होगा। तो यदि आप मर्डर की झूठी रिपोर्ट करते हैं तो आपको मर्डर के पनिशमेंट के आप भागीदार बन जाएंगे। यदि आपने मर्डर की रिपोर्ट इतने भयानक तरीके से, एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर तरीके से बनाने में यदि आपने क्रूकेडनेस दिखाई है, तो लिटरली फॉर क्रिएटिंग दैट रेयरेस्ट ऑफ रेयर फैब्रिकेटेड मर्डर रिपोर्ट द पर्सन कुड बी हैंग्ड। बिल्कुल, बिकॉज यदि आपका जो है ना यदि आप अपनी चाल में सफल होते तो जिसको आपने अपराधी या फंसाने की कोशिश की है वो तो हैंग हो जाता ना। बिल्कुल हो जाता, तो सेम जो है ना पनिशमेंट आपके पास जाना चाहिए। विद दिस काइंड ऑफ द इकोसिस्टम हम जो है प्रिवेंट कर पाएंगे विद सर्टेनिटी। हमें मालूम है कि आपकी ये गाड़ी है, आपके कौन कॉन्टेक्ट में है, आपका जो है फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है जब आप अपराध करने जाते हैं, देन वी कैन से कि आपकी जो है वेदर यू आर रेडी विद द लेथल वेपन, आपकी बीच के नोड आपका जो है ना कैप्चर करेंगे कि हाँ अब जो है ना विकास धनकर जी इस रास्ते से यहां तक निकल गए हैं। Then backend engine will decide कि विकास धनकर को पकड़ना कहाँ है, क्योंकि विकास धनकर ने रेकी किया है तो उन्हें मालूम है कि 3 दिन पहले विकास धनकर जी यहाँ रेकी करने गए थे जी। अभी तो पुलिस को कुछ मालूम ही नहीं होता है। सो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बैक ऑफिस, द CFB विल रियली क्रिएट ए बैक ऑफिस अंडर द नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस, जिसका हमने ड्राफ्ट लॉ ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया हुआ है थ्रू BPRND। मतलब हमने एक पूरा ड्राफ्ट कानून बना के सबमिट किया हुआ है, तो हम केवल टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे हैं, पब्लिक को नहीं जोड़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज को नहीं जोड़ रहे हैं, हम सबको जोड़ रहे हैं अलोंग विद द ए ड्राफ्ट लेजिस्लेशन आल्सो। क्योंकि यदि हम सब चीजें सोच रहे हैं तो क्या कानून चाहिए वो भी मुझे सोचना पड़ेगा जी।
तो आगे चल के बहुत सारी लीगल एडवोकेसी भी सीएफबी करेगा। और फिर हमारा कहना है, जब हमारे में सब कुछ मालूम है कि विकास धनकर जी जो है एक क्रिमिनल है, उन्होंने, इनके पास 5 शर्टें हैं, ये एक शर्ट इस तारीख को खरीदी, इस तारीख को पहनी, इस तारीख को किया, ये किया, वो किया, इतना जो सब इन्फॉर्मेशन है, तो हम विकास जी को अपराधी क्यों बने रहने देना चाहते हैं? हम सर्टेनिटी से आपकी पॉजिटिव चीजें आइडेंटिफाई करके, और जब सीएफबी इतने एग्रो और ढेर सारे इनिशिएटिव से इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है कि कोई हाथ तो ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास एम्प्लॉयमेंट ना हो, तो वो उस अपराधी को उसकी सामर्थ्य के हिसाब से उसको रिहैबिलिटेट कर देगा, तो वो अपराधी भी एक सज्जन व्यक्ति बनने का उसे मौका मिल गया, उसे जो है अपने वो करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर जो है ना अपराधी का ठप्पा लगा के घूमने की उसको जरूरत नहीं है। दो सिस्टम विल बी नोइंग कि ही हैज कमिटेड ए क्राइम, बट ही इज नॉट ए परमानेंट काइंड ऑफ अपराधी। आज तो सिस्टम ये करता है कि आपको अपराधी बनाए रखने में सिस्टम की भूमिका है। अब हम गए, अब चुनाव हो रहा है, चुनाव ने कहा 110 करो, तो हमने उठा के विकास कर रहे हैं, उठा के उनको 110 में बंद कर दिया। अब विकास के जो है ना अपनी जमानत कराना है, पैसे कहाँ से आएंगे? तो विकास जी के पास और कोई आय का जरिया तो है नहीं, तो एक क्राइम करेंगे तब करेंगे वो, एक कोई लूट करेंगे तब जो है ना वो वकील को पैसा देंगे। सो नाउ दैट क्राइम इज समटाइम बीइंग डन और ड्रिवन बाय द इकोसिस्टम विच वी हैव क्रिएटेड। यदि मान लो पुलिस वाले ने डंडा मार के उससे कुछ पैसे वसूल किए, वो पैसे कहां से लाए? तो उसके लिए क्राइम करेगा वो। वकील साहब को फीस देना है, उसको पैसा कहां से आए, तो फिर एक क्राइम करेगा वो। सो समटाइम द सिस्टम इज फोर्सिंग हिम टू कमिट क्राइम। हियर वी आर सेइंग कि हमें जब अपराधी सभी मालूम है, तो हम उनकी काबिलियत को असेस करके हम उसे रिहैबिलिटेट करें। तो चलिए आज जो है इस चर्चा के को जो है हम लोगों ने आपकी भाषा में समझा, आपने बहुत अच्छे ढंग से उस बात को बताया, और हमने आज कोशिश की कि हम जो है ना क्राइम फ्री भारत के क्राइम पार्ट को जो है एक्सप्लेन करें, और हाउ दैट सीएफबी वुड बी हेल्पिंग एवरीबडी, हाउ इट विल बी हेल्पिंग कंप्लेनेंट, हाउ इट वुड बी क्रिएटिंग एडिशनल विटनेस एवरीवेयर, जो कि सभी के सभी जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होंगे, और उनको कैसे इनफेलिबल बनाया जाएगा, कैसे जो है ना उसमें सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन एडमिसिबिलिटी क्रिएट किया जाएगा, कैसे सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी क्रिएट की जाएगी, कैसे सर्टिफिकेट ऑफ चैन ऑफ कस्टडी क्रिएट किया जाएगा, जिससे उन एविडेंस को कोर्ट में डिस्प्यूट करने की किसी की औकात नहीं रहेगी, और हम फिर कैसे जो है 15 दिन में उसे न्याय में बांट सकेंगे, इस तरीके का हम जो है एक सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे, राइट? तो मुझे लगता है कि आज इस सेशन को अपन यहां विराम देते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एग्रो मॉडल की, इसके बाद हम बात करेंगे आयुष मॉडल की, इसके बाद हम बात करेंगे ई कॉमर्स मॉडल की, क्योंकि क्राइम फ्री भारत इज नाउ कमिंग आउट विद द होल सेल फुल फ्लेज सॉल्यूशन। जी, एंड पहले तो मैं कहता था कि साहब हमारा जो है ना ग्रोथ विल बी जो है 10%, 20%, अब मुझे लगता है कि वी आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ग्रोथ ऑफ द 10 times, 1000% ग्रोथ रेट इज पॉसिबल विद अवर मॉडल। तो जब हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, हम सब चीज क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर इंतजार किस बात का है? जी, सो यदि हम अपने मॉडल को सभी इन्वेस्टर्स के पास, टेक्नोक्रेट्स के पास, सबके पास ले जाके उनकी पार्टनरिंग उसमें कर लेते हैं, तो धन भी कोई कभी कहीं कमी नहीं आएगी, और सीएफबी का जो बैलेट सिस्टम है उसमें हम वैसे भी करेंसी को काफी कुछ रिडंडेंस कर पा रहे हैं, और जो सीएफबी का कॉस्ट रीएलोकेशन सिस्टम है उसमें हम कॉस्ट को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, तो कॉस्ट को हम जब चाहेंगे तब उसको एड्रेस करेंगे। इसका मतलब है कॉस्ट विल नॉट बी एडेड ऑन द कंज्यूमर साइड, तो कंज्यूमर को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ना प्रोड्यूसर को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है, वहाँ कंज्यूमर को रिलीफ मिल रहा है, यहाँ एनवायरनमेंट को रिलीफ मिल रहा है, उसको जो है सभी तरीके के जो केमिकल्स हैं उससे बचा लिया जा रहा है, हार्मोन से बचा लिया जा रहा है, उस खेत की मिट्टी को पुनर्जीवित कर लिया जा रहा है, और उसमें केवल गोबर खाद का यूज नहीं हो रहा है, माइक्रोब्स का यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजों का यूज हो रहा है। तो हम इस चीज को 2 साल में अपनी मिट्टी को पुनर्जीवित कर पाएंगे, और जो इनिशियल केमिकल के यूज के कारण हमें कुछ समय के लिए लॉस ऑफ फर्टिलिटी होगा, वो हम 1-1.5 साल में आज के प्रोडक्शन से भी ज्यादा पहुंच जाएंगे। और आपने बहुत सही कहा है कि अब किसान जो है ना निर्णय लेगा, लेकिन अगेंस्ट द एग्रीगेटेड
डिमांड और एग्रीगेट रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही जो है उस वो एक पर्टिकुलर लैंड का जो है एरिया ऑलरेडी डिसाइडेड पहुंच गया कि साहब इस कल्टीवेशन में इतना आ गया है, तो वो ऑप्शन किसान के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा। सो ऐसी स्थिति कभी नहीं बनेगी कि टमाटर सड़क पे फिक रहे हैं, ऐसी स्थिति कभी नहीं बढ़ेगी कि प्याज फिक रहा है, और एन नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज वुड बी देयर। तो जो बहुत सारे चीजें जो है ना, दे विल गो इन ए प्रोसेस्ड फॉर्मेट, सो दैट उनका जो है केमिकल फ्री चीजें वुड बी अवेलेबल टू बी यूज एट द लेजर ऑफ द पर्सन। मतलब इट विल बी चेंजिंग द लाइफ ऑफ द एवरीवन, इट विल बी चेंजिंग द इकोसिस्टम। अब ये आज के नेताओं से ये एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच तो जो है जोड़ तोड़ में लगी हुई है। उनको तो ये लगता है कि हम पंजाब में कैसे सरकार बनाए, हम जो है ना मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाए, कर्नाटका में कैसे सरकार बनाए, राजस्थान में कैसे सरकार बनाए, और कैसे जो है हम अपने लोगों को जिताएं। तो चाहे वो जो है ना दूसरी पार्टी से आए हों, चाहे वो क्रिमिनल हों, तो वो तो उस चीज में लगे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चिंतन जो है अब बुद्धिजीवियों को करना चाहिए, और वो सीएफबी से जुड़ के हम अपनी औकात पे अपने उस पे जो है इस सिस्टम को जमीन पर उतार के बताएं। और उसके लिए हमारी डिफरेंट डिफरेंट टीम उन स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगी, उनसे नेगोशिएट करेंगी। हमें उनकी जो मशीन और इक्विपमेंट है वो प्रेजेंट फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। उसमें हम RFID लगाएंगे, उसमें हम GPS लगाएंगे, हम उसमें IoT डिवाइसेस लगाएंगे, सो दैट आई शुड बी इन पोजिशन टू कैप्चर द इफिशियंसी, आई शुड बी इन पोजिशन टू कैप्चर इवन द ह्यूमिलिटी। क्योंकि CFB की सोच ये है कि समाज में वैल्यू सिस्टम खत्म हो गया है, तो CFB अपने मॉडल से उसमें वो वैल्यू सिस्टम लाएगा, ह्यूमिलिटी लाएगा। हमारा वर्कर आपको नमस्कार ठीक ढंग से नहीं करेगा तो उसके 10 पॉइंट कट जाएंगे। तो 1000 रुपए उसे मिलना होगा, उसे 900 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए चले गए उसके, और वो 100 रुपए कट के। आजकल सर जितने भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे या कस्टमर केयर बात करेंगे, वो रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरा वो कॉल आएगा ना तो उसमें मुझे 10 नंबर दे दीजिएगा, वरना तो मेरी सैलरी में से पैसे कटेंगे। करेक्ट। तो यदि मान लो आपने उसका व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन आपने उस पर दया करके उसको पूरे नंबर दे दिए, तो अगली बार तो वो अच्छा व्यवहार करेगा ना। बिल्कुल करेगा। सो आपका आपने यदि उसको डिजर्व ना करने के बाद भी दे दिया, नंबर वन। नंबर टू जो है, जो पैसा उसका कटेगा वो उसी के वेलफेयर फंड में जा रहा है, तो उसको दिखाई देगा कि अभी जो है ना हमारे वेलफेयर फंड में 50,000 रुपए थे, अब 50,500 रुपए हो गए, 50,300 रुपए हो गए, 50,100 रुपए हो गए। सो दैट मनी इज देयर, बट उसको पर्सनली अवेलेबल नहीं होगी, वो ग्रुप को अवेलेबल हो गई। तो विदाउट जो है ना डिस्टॉर्शन इन फाइनेंशियल कंपनसेशन, वी विल ब्रिंग द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द वर्कर। तो आप ये देखिए कि हम उनके वैल्यू सिस्टम को वो कर पा रहे हैं। ये जो वर्कर्स हैं, दे विल बी गिवन ट्रेनिंग। हमें मालूम है उनकी फिजिकल सेफ्टी खराब हो गई है, तो हर किसी को ऐसे इक्विपमेंट एंड टूल्स दिए जाएंगे। यदि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारी मैकेनिकल विंग उनको बनाएगी। हम अपनी सीमाओं को उपलब्ध उपकरणों से नहीं बांध रहे हैं। वी विल स्कैन होल एनवायरनमेंट की कहीं ने ऑलरेडी किसी ने कुछ किया है तो उसको देखेंगे, उसको हम इंडियन सिनेरियो के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। एंड क्रिएटिविटी इज वन ऑफ माय पैशन, यू हैव सीन व्हेन आई वाज द आईजी ऑपरेशंस कश्मीर। बिल्कुल। आउट ऑफ बॉक्स सोचना और सिस्टम्स क्रिएट करना, टेक्नोलॉजी क्रिएट करना, मशीन और इक्विपमेंट क्रिएट करना, इट हैज बीन माय पैशन। वही हमारा इंटरेस्ट है। या एंड यू आर बिटनेस, वही इंटरेस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि जब हमारी सोच जो है किसी बंधन से बाहर है, तो हमें ऐसे सिस्टम को उतारने से कौन रोक सकता है। और समाज सर, अभी अभी टाइम हो गया है, मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा एग्जाम का ना। राइट। सो इस सेशन को हम यहाँ खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे एग्रो सिस्टम के बात करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए, अगले सेशन का इंतजार करिए, और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलके जो है ना देश की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।